आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड राज्य फसल राहत योजना के बारे में। अगर आप ऑनलाइन करते समय ये गलती कर दिया तो आपको बिल्कुल पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो वो कौन से गलती है जो आपको नहीं करना है, जिसके कारण आपको पैसे नहीं मिल सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक CSC संचालक है तो आपके लिए एक बेस्ट वीडियो होने वाले हैं। साथ ही साथ आप एक किसान है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको झारखंड राज्य फसल राहत योजना का पैसा नहीं मिलने वाले हैं, जिस तरह से पिछले साल आपको नहीं मिला था। अगर पिछले साल आपको पैसे नहीं मिले हैं तो आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, कहीं ना कहीं आपने गलती की है जिसके कारण आपको पैसे नहीं मिले हैं। तो इस बार उस गलती को फिर से नहीं दोहराना है, नहीं तो आपको फिर से पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं झारखंड राज्य फसल राहत योजना के बारे में। तो ये झारखंड का एक योजना है जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये योजना लागू किया गया है। वो ये इस योजना में सभी किसानों को 3500 रुपये करके दिए जाते हैं। जैसे ही झारखंड में सुखाड़ हुआ था पिछले साल, उसमें सभी किसानों को 3500 रुपये करके मिले थे, तो इस बार भी सभी किसानों को 3500 करके मिलने वाले हैं। बहुत ऐसे किसान थे जो वंचित रह गए हैं, उन किसानों को 3500 रुपये नहीं मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिनका कम है था उन लोगों को किसानों का पैसा मिल चुका है, और जिन किसानों का ख में था उन किसानों को पैसा नहीं मिला है। तो ख वाले और क वाले दोनों इन साल ऑनलाइन करा सकते हैं, और किस तरह से ऑनलाइन करना है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो पिछले साल ऑनलाइन नहीं किए हैं इन साल वो भी ऑनलाइन करा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कौन से गलती है जो आपको इस बार नहीं करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं झारखंड राज्य फसल राहत योजना के ऑफिशियल वेबसाइट में हम आ चुके हैं। अगर आप इस वेबसाइट पे आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें क्लिक करके भी आप आ सकते हैं, नहीं तो आप झारखंड राज्य फसल राहत योजना सर्च करना है तो आप देख सकते हैं इसका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं jrfry.jharkhand.gov.in सर्च करके भी आप ला सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कौन से गलती करेंगे जिसके कारण आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तो आपको उस गलती को बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं प्रज्ञा केंद्र लॉगिन करें, इस पे क्लिक करना है। जो भी प्रज्ञा केंद्र वाले या CSC सेंटर वाले हैं, अगर आप एक किसान है तो आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो चलिए सबसे यहाँ पे पहले क्लिक करते हैं प्रज्ञा केंद्र लॉगिन करें। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देख सकते हैं हमारे यहाँ पे CSC सेंटर का ID और पासवर्ड हम यहाँ पे फिल कर लिए हैं, और इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करके हम लॉगिन करने वाले हैं। तो प्रज्ञा केंद्र और CSC सेंटर एक ही होता है, आप सभी लोग नहीं जानते हैं तो आपको बता देने वाला हूँ। तो प्रज्ञा केंद्र से जितना काम होता है सारा काम CSC सेंटर से हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लॉगिन कर दिए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड टू झारखंड राज्य फसल राहत योजना। तो यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड राज्य फसल राहत योजना यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ ही साथ ऊपर में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना भी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी जो हमारा वेबसाइट खुला है झारखंड राज्य फसल राहत योजना का, उसमें हमें पहले ऑनलाइन करना है, जैसे ही सुखाड़ घोषित करता है फिर आगे क्या प्रोसेस करना है उसके बारे में भी आने वाले वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे झारखंड राज्य फसल राहत योजना। तो जो जिन किसान पहले से ऑनलाइन करा रखे हैं उन किसान का, या जैसे यहाँ पे हम आधार नंबर फिल करेंगे तो हमारे सामने सारा डेटा बिल्कुल सामने नजर आ जाएंगे। तो बिल्कुल जैसे आ जाएंगे आपको क्या करना है उसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने भी झारखंड राज्य फसल राहत योजना में ऑनलाइन कराया है, तो मैं अपना यहाँ पे आधार नंबर फिल करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं अपने वाले को मैं करके दिखाने वाला हूँ कि क्या गलती आपको नहीं करना है और क्या चीज आपको करना है जिसके कारण आप सही से ऑनलाइन कर पाएंगे। और आपको जो आप किसान है यहाँ पे देखना होगा, ऑनलाइन कराते समय आपको बता देना है ये गलती आपको नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको आधार नंबर फिल कर लेना होगा, तो फटाफट फिल कर लें। तो हमने आधार नंबर फिल कर लिया, फिर यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है, और इसके बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं ये हमारा वेबसाइट धीरे धीरे करके ओपन हो रहा है। तो ये हमारा पेज ओपन हो चुका है, जैसे हम नीचे करेंगे सारा डिटेल हमारे सामने नीचे आ जाएंगे। तो आपको दिखाने वाले यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारा यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, जो भी एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे फिल आ जाते हैं। तो क्या प्रॉब्लम हुआ, पिछले साल बहुत ऐसे किसान थे जिन किसानों का बैंक में गलती हुआ था, बैंक नेम में गलती हुआ था, फिर IFC कोड में गलती हुआ था, या फिर खाता नंबर में गलती हुआ था। तो इस बार इस गलती को नहीं दोहराना है,
आपको बैंक नेम में आपको सही कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन हमारे पास मिल जाता है। जैसे हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक तो हमारे सामने एडिट करने का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे दूसरा हमको सेलेक्ट कर लेना है, जिस बैंक है वहाँ पे आपको सुधार लेना है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, या जो भी IFC कोड है IFC कोड को यहाँ पे फिल कर लेना है सही से। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट नंबर में भी आपको फिर से रीचेक करना है, और रीचेक करने के बाद ही आपको एप्लीकेशन को आगे बढ़ाना है, नहीं कि यहाँ पे फिल किया हुआ है तो इसको हम डायरेक्ट बढ़ा देते हैं, इस तरह से नहीं करना है। क्योंकि जो ग्राहक आपके पास आ रहे हैं पता नहीं वो कहाँ पे ऑनलाइन कराए होंगे, किस तरह से ऑनलाइन हुआ होगा उसका, क्या वहाँ पे सही फिल है या नहीं है, इन सभी चीजों को बारीकी से देख लेना है एक बार। तो आप क्या चीज में परिवर्तन नहीं कर सकते, आप मोबाइल नंबर परिवर्तन नहीं कर सकते, अपना नाम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और आधार नंबर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो जो बदलने वाला चीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जन्म तिथि है, माता पिता का नाम है, लिंग, जेंडर, और यहाँ पे श्रेणी जो भी OBC ST SC जनरल जो भी है यहाँ पे बदल सकते हैं उसका, और किसान के प्रकार। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण चीज आ जाता है, किसान का प्रकार है, आपको यहाँ पे रैयत रखना है। अगर रैयत है, देखिए सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ कि बटाईदार क्या है। बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे नाम से अगर पट्टा खरीदा हुआ है तो हम बटाईदार हैं, वैसा बात नहीं है। आप बटाईदार नहीं है, अगर आपके पास पट्टे हैं तो आप उसके लिए रैयत हुए। बटाईदार वो होते हैं अगर आपके नाम से जमीन है और किसी दूसरे किसान को आप धन को अर्जने के लिए दे दिए हैं, या उसे कुछ साल के लिए दे दिए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए दे दिए हैं, तो उसके लिए एक एग्रीमेंट होता है कि आपको 2 साल के लिए हम धान रोपने के लिए आपको दे रहे हैं अपने जमीन को बटाईदार पे, उसके बाद फिर से हम उस जमीन को वापस ले लेंगे। तो वो इसी को बटाईदार कहते हैं जो कि अपना जमीन किसी दूसरे को दिया है, या दूसरे का जमीन वो अपने पे खेती कर रहे हैं जिसके कारण वो बटाईदार हुआ। तो वहां पे अगर आप किसी दूसरे के जमीन पे खेती करते हैं तो आपको यहाँ पे बटाईदार सिलेक्ट करना है। अगर आपके नाम से पट्टा लिया हुआ है तो आप बटाईदार नहीं है, तो अगर आपके नाम से खतियान है तो आप बटाईदार नहीं हुए। साथ ही साथ अगर किसी वंशज आपके परदादा दादा परदादा या किसी खानदान में आपका जमीन लिया हुआ है तो आप उसके लिए रैयत हुए, ना कि बटाईदार। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। तो यही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था जो आप सभी लोगों को देना था। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेकर के जो झारखंड राज्य फसल राहत ही योजना से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, बाय। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।